नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम एक नए अंक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं किसान भाइयों आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है हर काम में हर क्षेत्र में और किसानी का क्षेत्र तो होता ही बहुत बड़ा है चाहे वो उत्पादन का हो फिर चाहे उसको साथ संभाल का हो और फिर चाहे वो भंडारण का हो तो खाद्य प्रसंस्करण भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जो हमारे किसान भाई करते हैं कृषि के क्षेत्र में ये काम एक अपना अहम स्थान रखता है जी हाँ आत्मनिर्भर योजना जो भारत की चल रही है उसमें खाद्य प्रसंस्करण की योजनाएँ है क्या हैं बस इसी विषय को लेकर आज ने हमने और ये अंक सजाया है और हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विजय अग्रवाल को जो उद्यानिकी विभाग में है उपसंचालक नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत योजना में कृषि एवं उद्यानिकी की क्या भूमिका है देखिए आत्मनिर्भर भारत में हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान हैं या मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर बहुत सारी उद्यानिकी फसलें हैं क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि की अगर हम बात करते हैं तो गेहूँ चना धान जैसी मुख्य फसलें हमारे प्रदेश में होती हैं और उद्यानिकी की बात करें तो उद्यानिकी में मध्य प्रदेश के अंदर लगभग बीस लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें होती हैं और उत्पादन की अगर बात करते हैं तो तीन लाख हेक्टेयर में तीन मैट्रिक टन उत्पादन है मध्य प्रदेश में उद्यानी की फसलों का तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बहुत सारी फसलें होती हैं हैं जैसे अगर बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो संतरा है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है इसी तरह से की फसल जो होती है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा है लहसुन की बात करें या अन्य उद्यानिक फसलों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है तो जब हम इसको बात करते हैं उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है उत्पादन के साथ साथ आवश्यकता है समय को देखते हुए कि हमारे किसानों को भाव अच्छा मिले और भाव अच्छा जब मिलेगा जब यहाँ पर उससे संबंधित अन्य सुविधाएं प्रसंस्करण का है नहीं। नहीं। आज के समय में आप देखते हैं कि आ, घरों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बहुत ज्यादा चलन हो गया जी 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 यानी एक समय क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है टमाटर की बात करें तो दो दिन या तीन दिन भंडारण क्षमता होती है बहुत सारे फल होते हैं अधिकतम एक हफ्ते का समय उसमें रहता है, लेकिन खुद भी प्रसंस्करण कर हमारे ग्रामीण युवक हैं या अन्य युवक हैं जो नवयुवक हैं जो इस अभियान में साक्षी बने और खाद्य प्रसंस्करण को अपनाएं क्योंकि हमारे इधर उत्पादन बहुत भरपूर है बिल्कुल ठीक कहा आपने की उत्पादन हमारे यहाँ भरपूर है लेकिन जहाँ आत्मनिर्भर भारत योजना की बात आ रही है तो अगर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए आई हैं हैं देखिए एक इसमें अभी जो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो तीन विशेषकर उद्यानिकी और कृषि से संबंधित तीन प्रमुख योजनाएं हैं इसमें से है पहली है जो प्रधानमंत्री जी ने आ, जो शुरुआत की है इसमें इसकी है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है आ, दूसरी योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत है ये टॉप टू टोटल कहलाती है ये भंडारण के लिए और परिवहन से संबंधित योजना है इसमें उद्यानी की जो फसलें होती हैं उसका जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वहाँ से आ, कोई भी व्यापारी किसान एफ या अन्य कंपनी इसको खरीदती है किसानों का अच्छा मूल्य दे और जहाँ पर भी भारत में या अन्य प्रदेशों में जहाँ पर उसकी अधिक डिमांड है वहाँ पर बेचती है तो उस योजना का लाभ ले सकता है और इसमें भारत सरकार की तरफ से जो योजना के लाभ की अगर बात करते हैं तो परिवहन में पचास परसेंट अनुदान दिया जाता है साथ ही साथ भंडारण में भी अनुदान दिया जाता है तीसरी योजना अभी जो चालू हुई है कृषि अधोसंरचना नीति जो चालू हुई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसमें भी कई सारी संस्थाएं इसको भी लाभ ले सकती हैं जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में आलू या अन्य फसलों का उत्पादन बहुत अधिक है जिसमें कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है आजकल इंटीग्रेटेड पैकहाउस जो कि निर्यात के लिए बहुत आवश्यक होते हैं जहां पर सभी तरह की सुविधाएं होती हैं फसलों की खेत से फसल आने के बाद उसकी धुलाई होती है सफाई होती है ग्रेडिंग सॉर्टिंग होती है प्री कूलिंग होती है है ना तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की आवश्यकता होती है तो ये जो योज, जो संरचनाएं होती हैं इनकी लागत काफी आती है तो ऐसे में जो भी उद्यमी हैं किसान हैं या जो भी इसका लाभ लेते हैं इस योजना का तो उसमें जो ब्याज रहता है उस पर अनुदान की व्यवस्था इसमें होती है तो मुख्य रूप से तीन योजनाएं हैं हमारे किसानों के लिए है या कृषि संबंधित जिनका हमारे जो लोग हैं प्रदेश के लोग हैं उसका लाभ ले सकते हैं आपने जैसे कि तीन योजनाओं की बात करी है सूक्ष्म उद्योग की अगर हम बात करें उन्नयन की अगर हम बात करें तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हाँ ये ये योजना बहुत अच्छी योजना है और ये अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस योजना को जो भारत सरकार से मिली हुई है इस पर कार्रवाई चालू है ये योजना का मुख्य विशेषता ये है कि कृषि उद्यानिकी फॉरेस्ट आधारित या दूध दुग्ध संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं इनसे संबंधित कोई भी प्रसंस्करण पदार्थ की अगर यूनिट लगाना चाहते हैं प्रसंस्करण पदार्थ की कोई इकाई हमारे आ, किसान भाई लगाना चाहते हैं एस एच लगाना चाहते हैं एफ लगाना चाहते हैं तो उनको इसमें अनुदान की व्यवस्था है साथ ही साथ क्या है कि इस समय अगर हम देखें तो बहुत सारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ प्रदेश में पहले से भी हैं लेकिन उनमें उनकी प्रॉपर मार्केटिंग होना चाहिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए प्रमाणन नहीं होता है वो अच्छे से ब्रांडिंग नहीं कर पाते अपनी क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मूल्य खे okay. uh, uh हमें जो लोकल है उसके लिए वोकल होना हाँ, चाहिए जो हमारी पहचान है उसको विश्वव्यापी पहचान बनाना हमारी एक हमें इस अभियान का एक मुख्य लक्ष्य है जी, तो जो हमारे लोग हमारे उद्यमी हमारे नवयुवक जो जिन्होंने उद्योग लगा रखे हैं उसका अपग्रेडेशन या उन्नयन करना चाहते हैं उसमें ब्रांडिंग करना चाहते हैं उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं उसके सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं जिससे कि हम विश्व स्तर पर जो हमारा उत्पाद है उसको रख सकें और अपने उत्पाद का अच्छे से अच्छा मूल्य कर सके, तो कर इसमें का भी है यानी जो हमारी पहले से स्थित इकाइयां हैं मौजूदा इकाइयां उनका उन्नयन कर सकते हैं और नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को हम इसमें स्थापित कर सकते हैं नई प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन बात आती है कहीं ना कहीं लोन के लिए और हमें आती है कि बैंक कैसे हमको इसको आगे बढ़ाएगा तो योजनाओं का लाभ लेने के लिए परियोजना बनाने के लिए लोन लेने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इसमें ये बताएं देखिए ये देखिए कोई भी जब होता है कोई भी इकाई हम स्थापित करते हैं तो जैसा कि ये सूक्ष्म इकाइयों के लिए ये योजना है सूक्ष्म इकाइयाँ जो होती हैं लगभग पच्चीस से तीस लाख रुपए तक की जिनकी लागत होती है उन इकाइयों को हम सूक्ष्म इकाइयाँ बोलते हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर संस्करण की जो मशीनें लगाते हैं उनकी लागत 25 से 30 लाख रुपए होनी चाहिए वो में के अंतर्गत तो इस इसके योजना सही ढंग से चले योजना का सही लाभ मिले तो इसमें एक व्यवस्था की गई है कि हर जिले में एक ऐसा रिसोर्स पर्सन ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो किसानों के बीच में एपीओस के बीच में, में एस के बीच में जाएगा और यह देखेगा कि कहां पर इकाइया लगी हैं उन इकाइयों का सर्वेक्षण करेगा और उनमें से कौन से अपनी इकाइयों का उन्नयन करना चाहते हैं तो उन्होंने बोला कि यह हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधार पर यह है हम इसमें नई पैकिंग मशीन लगाना चाहते हैं इसका सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं इसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से चर्चा करके वो क्या करना चाह रहे हैं उनकी एक परियोजना प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता होती है जिसे हम डी बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं जी, जी, तो वो जो हमारा रिसोर्स रहेगा संबंधित इकाइयों से चर्चा करके एक डिटेल रि, कर साथ साथ चीजों और नई मशीनें लगाना चाहते हैं उसकी क्या लागत होगी और इसमें लगभग कितना खर्चा आएगा उस आधार पर वो परियोजना बनाएगा फिर परियोजना जो जिला स्तरीय हमारी कमेटी रहेगी वो परियोजना को देखेगी उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे परियोजना को देखने के बाद वो निर्णय लेगी कि ये परियोजना सही है इसमें सही मूल्यांकन किया गया उस आधार पर वो बैंक को उसका रिकमेंडेशन जाएगा उस आधार पर बैंक उसके लोन को स्वीकृत करता, करता है और इसी जैसे मैंने ये इसका प्रारूप आपको बताया इसी तरह से जो हमारे नए उद्यमी हैं जो नई अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां खोलना चाहते हैं वो भी इसी तरह से रहेगा उनको भी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या परियोजना प्रस्ताव उनको भी डिस, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की मदद से वो बनवा सकता है फिर जब वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है फिर उसके बाद वो बैंक के माध्यम बै, बैंक में चला जाएगा और बैंक से जो लोन की प्रक्रिया होती है ऋण की प्रक्रिया होती है वो होगी और जब सारी चीजें हो जाती हैं उसके बाद इसमें अनुदान की व्यवस्था होती है जी जी, डॉक्टर साहब हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे किसान भाई लेते हैं एक छोटा सा अंतराल बस अभी उपस्थित हुए अरे भाई सुना नहीं क्या सी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है देश के छोटे किसान एक लाख साठ हजार रूपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया सी के सीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है समय पर भुगतान करने पर केवल चार परसेंट के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे अपना आधार कार्ड लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी चाचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं के सी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल हर किसान हो जाए अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना से हर साल जुड़ रहे हैं पाँच करोड़ से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नज़दीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन केंद्र में स्वेच्छा ऐसी करा सकते हैं पंजीकरण फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतंत्र को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। ही? अच्छा ये बात है आ, अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर किसान भाइयों स्वागत है आपका अंतराल के बाद फिर से और जैसा कि आप जानते हैं कि विषय है आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत उद्यानिकी प्रसंस्करण योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर विजय अग्रवाल डॉक्टर साहब अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे प्रसंस्करण की लघु उद्योगों की बात कर रहे थे एक ज़िला एक उद्योग एक उत्पाद ये इस तरीके का क्या एक ही जगह पे एक ही स्थापित हो सकता है कैसा क्या है इसके बारे में हाँ, ये, ये इस इसका मेन थीम है इस योजना का कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद इसके पीछे आशा ये है कि जो ये योजना क्लस्टर आधारित है एक एक हर चीज का एक क्लस्टर होता है उत्पादन का भी क्लस्टर होता है क्या आप देखते हैं ये प्रदेश में कहीं पर आप देखेंगे की संतरे का बेल्ट है यानी वहां पर संतरे का उत्पादन ज्यादा हो रहा है प्रदेश में गुना वाला क्षेत्र ऐसा वहां पर धनिया काफी बड़े एरिया में होता है एक लाख हेक्टेयर में धनिया होता, में होता है शिवपुरी में टमाटर होता है और अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो वहां पर टीकमगढ़ हुआ या निवाड़ी जैसी तहसीलें हैं जहां पर अदरक की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है इसी तरह से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में नीमच की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ औषधीय पौधे होते हैं तो इसका उद्देश्य ये है कि हर जिले की जो मुख्य फसल है या जिसका उत्पादन जहां पर होता है क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की प्रसंस्करण के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है और जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पर अगर उद्योग लगाते हैं तो वहाँ के लोगों को बहुत आसानी से कच्चा माल मिल जाएगा जो कि प्रसंस्कृत पदार्थ बनाने में काम आता है और साथ ही वहां पर रोजगार की भी संभावना होगी और जिन चीजों की खेती हो रही है नहीं। वहां पर लोग उसके प्रति तो जो उत्पादन के क्लस्टर है उनको ही हम चिन्हित कर रहे हैं और वहीं पर हमारी कोशिश रहेगी कि वहीं पर उससे संबंधित प्रसंस्करण की इकाइयां लगे तो प्रदेश में हमने एक जिला एक प्रोडक्ट के आधार पर हमने इस योजना को लागू करने का प्रयास किया है और इसके लिए अभी चयन का काम एक जिला एक उत्पाद का चल रहा है जैसे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का वो केले के, के, के लिए के जाना जाता है तो वहां पर अगर इससे केले से संबंधित इकाइयां लगेंगी तो ज्यादा फायदा रहेगा है ना इसी तरह से आप देखेंगे जैसा अभी मैंने बताया कि गुना है वहां पर धनिया बहुत ज्यादा होता है तो धनिया से संबंधित जो भी प्रसंस्करण इकाइया लगेंगी जो भी सूक्ष्म उद्योग लगेंगे उनको इसमें प्राथमिकता उसमें रहेगी इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं तो ग्वालियर ऐसा क्षेत्र है जहां पर आलू की पैदावार बहुत बड़े मात्रा में होती है तो आलू से संबंधित भी जो उत्पाद हैं और उसके प्रसंस्करण करने की इकाइयां वहां पर लगाई जाएंगी इसी तरह से शिवपुरी में टमाटर बहुत होता है अगर नीमच की बात करें तो वहाँ औषधीय पौधे जैसे इसब हुआ या फिर अश्वगंधा इनकी खेती बड़े बड़े पैमाने पर होती है और जैसा कि मध्य प्रदेश की एक पहचान है शरबती गेहूँ और हमारा सीहोर जिला जो है शरबती गेहूं, गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा अच्छा आ, नाम रखता है तो वहां पर हमारा प्रयास रहेगा कि गेहूं से संबंधित जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं वहां पर आए अगर औषधीय पौधे में और हम बात करते हैं तो आंवला जो कि पन्ना वाला क्षेत्र है जहां पर आंवला बहुत होता है और औषधीय मूल्य भी होता है आप देखते हैं उससे संबंधित चमनप्राश बनता आंवले का पाउडर त्रिफला बहुत सारी चीजों में उपयोग होता है तो वहां पर हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह की इकाइयां वहां पर आए तो ये एक जिला एक उत्पाद है इसमें उद्यानिकी फसलें भी आ सकती हैं इसमें कृषि आधारित फसलें भी आ सकती हैं और जैसे कि छिंदवाड़ा औषधि भी आ सकती है वन उपज भी, भी, भी वन उपज में जैसे चिरौंजी वगैरह मध्य प्रदेश में काफी होता है और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है तो उससे संबंधित भी ये जहां पर उत्पादन ज्यादा है क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि कच्चा माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए और हमारे किसान को उत्पादन का अच्छा मूल्य मिले तो तो लागत कम होगी तो ला... भी ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल और इसमें जैसा कि और दूसरा है कि हम एक जगह पे बिल्कुल फोकस कर पाएंगे। जी जी। वहां पर पाएंगे आई जो, जो के स्टैंडर्ड है फसाई के स्टैंडर्ड उस हिसाब से सर्टिफिकेशन हमारे जो उद्यमी है उसका करवा पाए अच्छे से मार्केटिंग करें ब्रांडिंग करें तो यही उद्देश्य है इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद के, के रूप में इस योजना को लागू किया जा रहा है। मतलब हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी प्राथमिकता समझे अपने यहाँ की विशेषता समझे और उसको जी। आगे लेकर जाए जी जी। प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए अब क्योंकि योजनाएं आई हैं तो लोगों के मन में, में, में उमंग भी है तो क्याताएं भी हैं तो क्या प्रशिक्षण की भी सुविधाएं हैं इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल गया? बिल्कुल इसमें भारत सरकार ने कई स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी है यानी सबसे पहले तो होता है कि जो योजना को जो क्रियान्वयन कर रही है एजेंसी पहले तो राष्ट्रीय स्तर के कुछ संस्थान भारत सरकार ने इसमें आइडेंटिफाई किए चिन्हित किए हैं भारतीय भारत स्तर के पूरे राष्ट्रीय स्तर के दो संस्थान है इस योजना के अंतर्गत जो अधिकारियों का या इस योजना से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रशिक्षण की उसमें व्यवस्था है जी, जी। इसके बाद जब जो ऊपर के स्तर के लोग हैं उनका इस विषय में अच्छे से प्रशिक्षण होगा तो वो निचले स्तर पर या जो उद्यमी हैं या जो संभवित उद्यमी हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छे से इन चीजों की जानकारी दे सकते हैं फिर इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के बाद जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए हमने जिला स्तरीय तकनीकी संस्थान ने उसको भी चिन्हित करने का काम किया है उसकी उसकी जो जिम्मेवारी होगी कि जो भी मूलभूत ले, ले ले। जानकारियां तो उसकी, उसकी, उसकी बारीकियां उस उद्योग को कैसे चलाना है उस उद्योग में जो उत्पाद बन रहा है उसकी कैसे विश्व स्तरीय पैकिंग करनी है कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे तो प्रशिक्षण का पार्ट है तो जैसा आपने बोला इसमें प्रशिक्षण तो बड़ा अनिवार्य है और निश्चित रूप से सभी जो भी इससे जुड़ेंगे योजना से जुड़ेंगे उनको इस तरह की प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें की, की जाएगी प्रशिक्षण की बात हो गई उत्पादन की बात हो गई मार्केटिंग के बारे में आप बताएं बाजार की जो उपलब्धता है इस योजना के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है बताएं देखिए इसमें आ, जैसे कि एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जैसे लाभ जो ले सकते हैं आ, पहले तो इसमें कोई भी व्यक्तिगत जो लोग हैं यानी एक हम और आप भी कोई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं हमारे किसान भाई भी ले सकते हैं इसके बाद दूसरा जो लाभ ले सकते हैं जो पहले से स्थित इकाइयां हैं ऐसे उद्यमी हैं जो पहले से इकाइयां चला रहे हैं, वो तीसरा जो इसमें अहम मार्केटिंग में जैसे आपने बोला जो मैं अहम रोल निभाने वाले हैं वो स्व सहायता समूह है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है कृषक उत्पादक संगठन है कृषक उत्पादक कंपनियां हैं सहकारी समितियां हैं ये भी इस योजना में भाग ले सकती हैं योजना का लाभ ले सकती हैं अब इसमें क्या होगा कि जो भी क्षेत्र का जैसे बुरहानपुर में केला बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका व्यापक रूप से एक परियोजना प्रस्ताव बनेगा गुना में धनिया हो रहा है या आगर मालवा में संतरा हो रहा है तो उसकी ब्रांड क्योंकि आज के समय में जैसे हम बात करते हैं कि आ, उत्तर प्रदेश की दशहरी मलियाबाद की दशहरी हुई इसी तरह से बहुत सारी नागपुरी संतरा हुआ इसी तरह से मध्य प्रदेश की भी व्यवस्था बहुत सारी जैसे हमारी शरबती है तो इसका पूरा ब्रांडिंग हमें कैसे करनी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करनी है तो योजना के अंतर्गत हम प्रस्ताव बनाकर जो सहकारी समितियां हैं कृषक उत्पादक संगठन हैं स्वयं सहायता समूह हैं इस ब्रांडिंग और मार्केटिंग का प्रस्ताव बनाकर भी सबमिट कर सकते हैं और उसकी स्वीकृति के उपरांत इससे संबंधित जो गतिविधि हैं उस पर ध्यान देंगे इसके अलावा इसकी मार्केटिंग के लिए जितने भी अन्य प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा जिससे हमारा जो लोकल फॉर वोकल की बात है उसको हम बड़े स्तर तक ले जाए राष्ट्रीय स्तर तक ले जाए बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि लोकल फॉर वोकल के साथ हम अपने कार्यो को आगे बढ़ाए ये योजनाएं आगे बढ़े आत्मनिर्भर भारत बने इसके लिए आप हम अपने आ जो किसान भाई है वो पूरी तरह से इस योजना का लाभ लेंगे आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आप इस योजना का जरूर लाभ लीजिएगा और हमें दीजिए अनुमति फिर उपस्थित होंगे स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार